है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में 2019 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। सपा गठबंधन का नगलाबरी चौराहे के पास क्षेत्रीय कार्यालय का आज सांसद अक्षय यादव ने फीता काटकर किया उद्घाटन। इस मौके पर सपा और बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वॉइस टीवी संवाददाता भारती बघेल ने सांसद अक्षय यादव से की सीधी बात, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और स्वागत है आपका वॉइस टीवी पर। हमारे साथ वर्तमान सांसद अक्षय यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल और देखते हैं। जी, पहले पहले आपका तो बहुत आभार कि आप यहां पर आए, और 2014 में जो आपने एजेंडे में जो समस्याएं रखी थी उनमें से कितनी समस्याओं को आपने पूरा कर दिया? देखिए, 2014 में सबसे बड़ा हम लोग का एजेंडा था जेड़ा झाल योजना। उस योजना को आज की तारीख में पूरी तरह से लागू करा जा चुका है। शहर के लोग मीठा पानी पी रहे हैं, यही इस शहर की सबसे बड़ी समस्या थी जिसका हल हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, ये सारे काम अभी चल रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर चालू हो चुका है। नगर पालिका को नगर निगम बनाना, ये भी हम लोग का एजेंडा था, ये भी पूरा कर चुके हैं। लगभग जो हम लोगों के वादे थे वो पूरे हम लोगों ने करके दिखाए हैं। 2019 के चुनावी एजेंडे में कौन कौन सी समस्याएं शामिल हैं? देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है इसके बाद फिरोजाबाद शहर के लिए सबसे बड़ा समस्या है चूड़ी उद्योग के लिए। चूड़ी उद्योग किस तरह से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, ये सब चीज़ें सुनिश्चित हम लोगों को करवाना है। नगर निगम में जेड़ा झाल योजना, उसकी वजह से जो सड़कों में काम दोबारा करवाने की ज़रूरत है वो करवाएंगे। नगर निगम में किसी भी प्रकार का नया काम हो नहीं रहा है तो केंद्र सरकार की योजनाएं लाकर नगर निगम में दुगने काम करवाने की हम लोग की योजना रहेगी। आपके हिसाब से सपा और बसपा का गठबंधन कितना रंग लाएगा? देखिए, सपा की सीट पर हम उस समय चुनाव जीते थे जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। आज की तारीख में मोदी लहर खत्म हो चुकी है। दूसरा, बसपा का जो वोट है वो हमारे लिए सरप्लस वोट रहेगा पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर फिरोजाबाद की जीत सबसे बड़ी जीत में शामिल रहेगी। जी, एक अहम सवाल ये भी है कि इस बार आपके चाचा जी आपके सामने, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चाचा हैं, बड़े हैं, उनसे भी बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, जो सीखा है उनके ऊपर हम लोग अजमाएंगे। इस मीटिंग से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कार्यालय का शुभारम्भ है, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। जिस तरह का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के उद्घाटन में जोश दिखाया है उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा है और हम लोग बहुत तेज़ी से काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करेंगे कि सारे लोग अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी को जिताकर भेजें। चुनावी तैयारियों के बारे में आपका क्या कहना है? बस ये चुनावी तैयारी हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं, लगातार गांव-गांव भी प्रचार चल रहा है। फिरोजाबाद शहर में घर घर भी पहुंचने का हम लोग का टारगेट रहेगा और अपनी जो हमने विकास के काम करे हैं उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने यहाँ सांसद अक्षय यादव जी से बात की, उन्होंने कहा कि 2019 में जो भी चुनावी एजेंडे हमारे जो चुनावी एजेंडे में जो भी समस्या है हम उनको पूरा करेंगे। हमने वर्तमान सांसद अक्षय यादव जी से बात की, उन्होंने कहा कि 2019 में चुनावी एजेंडे में जो जो समस्याओं को रखा गया है हम उनको पूरा करेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए वॉइस टीवी फिरोजाबाद।